उधर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा और इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास ही रहेगी और अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। वहीं मामले में आपने कहा है कि केंद्र का सह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। केजरीवाल सरकार की पावर को कम करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें 3 सदस्य मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। यह कमेटी बहुमत से फैसला करेगी और अब अकेले सीएम केजरीवाल कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र को तानाशाही बता रही है तो वहीं भाजपा ने इस अध्यादेश का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ? जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है, ये देश का संविधान कहता है। लेकिन केंद्र की सरकार से यह सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से यह सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी।